मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हाँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जननी जगत विशाल हूँ, मातृत्व का मैं गाँव हूँ, हाँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ। छाती से सींचा दूध मैं रक्त की उबाल हूँ, हाँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ। माया का महिमा मंत्र हूँ, मैं ही जीवन का सार हूँ, हाँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं पंखुड़ी कोई गुलाब की या कांटों का कोई हार हूँ, हाँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं दीप कोई प्रज्वलित या जंगल की प्रचंड आग हूँ, हाँ मैं नारी हूँ और मैं सर्वशक्तिमान हूँ। ये खत लिखा है, खत मैं लिखा है। ये खत उसे पहुँचे जिसके लिए सवेरे काली मिर्ची वाली चाय बनानी हो, उसके साथ टिफ़िन में शक्कर के कुछ दाने रखने हों। ये खत उसे पहुँचे जिसके साथ झगड़ के ना मनाने के लिए और झगड़ना हो। ये खत उसे पहुँचे जिसके लिए नज़में लिखनी हों, जिससे नजरें उचका के कहना हो, उछलो मत, तुम्हारे लिए नहीं लिखी है। जिसके बने हुए बाल अपनी उंगलियों को उलझाकर और बिगाड़ने हो, ये खत उसे पहुँचे जिसे दोपहर में फ़ोन करके सुनो जी हाँ कुछ नहीं बस इतना कहना हो। ये खत उसे पहुँचे जिसे बालकनी से आवाज़ देकर कहना हो सुनो रात को घर जल्दी आना, खाने में दाल चावल बनाऊँगी। जिसे मालूम हो कि मुझे चूल्हे चौके से बहुत ही परहेज है, फिर भी रसोई में जाके उसके लिए खाना बनाऊँगी। कि मैं कलम और कतार चलाने वाली वालों में से हूँ, मगर उसके लिए रसोई में कलछी भी चलाऊँगी। ये खत उसे पहुँचे जो जानता हो सड़क पार करते वक्त अक्सर उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली से मेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली उलझा लेता है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है, इसलिए क्योंकि उसका छूना मुझे पसंद है। ये खत उसे पहुँचे जिसकी शर्ट की बाजू से सटे मेरे सूट का रंग बिरंगा दुपट्टा खिलखिला जाता है। ये खत उसे पहुँचे बाजुओं के घेरे को अपना घर और किताबों वाले तीसरे आले को अपना शहर कहना। ये खत उसे पहुँचे जिसे हर तीसरे महीने गुलाब के पौधे देने हैं और फूलों की मांग रखनी है। जिसे पता है कि मुझे मीठा नहीं पसंद, फिर भी फ्रिज के खांचे में चॉकलेट रखनी है। जिसे गुलमोहर की नींव रखकर उस पर फूलों तक आने का इंतज़ार करना आता हो, जिसकी शायद अभी कोई शक्ल नहीं, जिसका शायद अभी कोई नाम नहीं। थैंक यू सो मच।